मूवी की स्टार्टिंग दो कपल डायनासोर से होती है जो खेती कर रहे होते हैं। वो अपने अंडों के पास जाते हैं क्योंकि वो हिल रहे थे, जिनमें से जल्द ही बेबी डायनासोर निकलने वाले थे। धीरे धीरे करके वो अंडे टूटते हैं और उनमें से तीन क्यूट से डायनासोर बाहर निकलते हैं। उनमें से दो डायनासोर हेल्थ में ठीक थे और वो मस्ती भी कर रहे थे, लेकिन एक बेबी डायनासोर अंडे के अंदर ही बैठा हुआ था। वो साइज में बहुत ही छोटा था और वो बहुत डरा हुआ भी था। उसके पेरेंट्स उसका नाम आर्लो रखते हैं। फिर वो डायनासोर अपने बेबीज को बाहर लेकर आते हैं। फादर डायनासोर उन्हें अपना खेत और पंजा पर्वत दिखाते हैं। अब इनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी थी और सब बहुत खुश थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और सभी बेबी डायनासोर बड़े हो जाते हैं। आर्लो के भाई बहन उससे बहुत ज्यादा बड़े और हट्टे कट्टे थे और वो अपने पेरेंट्स की हर काम में मदद भी करते थे, लेकिन आर्लो बहुत ही ज्यादा डरपोक था और जब आर्लो को किसी काम के लिए कहा जाता था तो वो काम उससे हो ही नहीं पाता था। वो छोटी छोटी चीजों से डर जाया करता था। उनके पेरेंट्स सभी बच्चों को अपने पास बुलाते हैं और फादर डायनासोर उन्हें समझाते हैं कि सर्दियों का मौसम आने वाला है और इसीलिए हमने यहाँ इतना खाना स्टोर किया है जिससे सर्दियों के लिए खाना कम ना पड़े। फिर फादर डायनासोर और मदर डायनासोर अपना फुटप्रिंट वहाँ लगाते हैं और सभी बच्चे भी फुटप्रिंट लगाने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं और अपना फुटप्रिंट वहाँ लगाने लगते हैं, लेकिन फादर डायनासोर उन्हें मना कर देते हैं और कहते हैं कि अभी तुम इस काबिल नहीं हो और जब तक तुम कोई बड़ा काम नहीं कर लेते तब तक तुम फुटप्रिंट नहीं लगा सकते, लेकिन एक दिन तुम अपनी छाप जरूर यहाँ छोड़ोगे और उस दिन का मुझे इंतजार रहेगा। आर्लो का बड़ा भाई पेड़ तोड़कर मैदान साफ करता है जिससे उसके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं और उसे फुटप्रिंट लगाने देते हैं। थोड़े ही दिनों में आर्लो की बहन पूरे खेत को अकेले ही जोत देती है जिसे फादर डायनासोर उसे भी फुटप्रिंट लगाने देते हैं। अब सिर्फ आर्लो ही बचा था जिसने फुटप्रिंट नहीं लगाया था, क्योंकि आर्लो ने अभी तक कुछ भी नहीं किया था और उससे कुछ हो भी नहीं पा रहा था, तो उसके फादर उसे फुटप्रिंट लगाने से मना कर देते हैं। आर्लो बहुत हर्ट हो जाता है और उसका भाई उसे बहुत चिढ़ाता है और कहता है कि छोटे बच्चे तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते। आर्लो उसे कहता है कि ऐसे मत कहो, मुझे बुरा फील होता है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ पर मुझसे नहीं हो पाता। लेकिन उसका भाई फिर भी उसे परेशान करता रहता है और तभी वहाँ उसके पेरेंट्स आ जाते हैं और वो आर्लो के भाई को बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि अपने भाई को तंग मत करो। तो आर्लो कहता है कि आप सबको लगता है ना कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो मैं एक दिन जरूर कुछ करके दिखाऊंगा और मैं भी अपना फुटप्रिंट लगाऊंगा। आर्लो के डर को खत्म करने के लिए फादर डायनासोर को एक आइडिया आता है और जब रात को आर्लो सो रहा होता है तो उसके पास उसके फादर आते हैं और उसे अपने साथ चलने को कहते हैं। दोनों वॉक करने लग जाते हैं जो कि काफी खूबसूरत जगह होती है और आर्लो के फादर उसे समझाते हैं कि कभी कभी डर को हराना भी जरूरी होता है, क्योंकि जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अपने ऊपर विश्वास रखो, तुम्हारे लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। फिर जब वो सुबह उठते हैं तो आर्लो के फादर देखते हैं कि उनका स्टोर किया गया खाना कोई खा गया है। वो काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सर्दियों के लिए खाना कम पड़ जाएगा। आर्लो के फादर उसे कहते हैं कि अगर तुमने उस जंगली को पकड़ लिया तो तुम भी अपनी छाप छोड़ पाओगे। फिर आर्लो और उसके फादर उस जंगली को पकड़ने के लिए ट्रैप बनाते हैं। वो वहाँ कॉर्न्स रखते हैं ताकि वो जंगली उसे खाने आए तो वो वहाँ फंस जाए, तो फिर आखिर में उसे लकड़ी से मार देना और फिर तुम भी अपने फुटप्रिंट्स लगा पाओगे। आर्लो ये सुनकर काफी एक्साइटेड हो जाता है। फिर आर्लो वहाँ पहरा देने लग जाता है। अचानक एक जंगली बच्चा आता है और उन कॉर्न्स को खाने लगता है जिससे वो उस ट्रैप में फंस जाता है। आर्लो देखता है कि वो एक छोटा सा जंगली बच्चा है। वो बच्चा नेट में फंस चुका था और वो बच्चा काफी चिल्लाता है और उस नेट से निकलने की बहुत कोशिश करता है। आर्लो ये देखकर बहुत डर जाता है, लेकिन वो हिम्मत करके उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन मार नहीं पाता और वो ट्रैप खोल देता है और जंगली बच्चा वहाँ से भाग जाता है। और जब आर्लो के फादर वहाँ आते हैं तो वो उसे बहुत डांटते हैं कि तुमने ये क्या किया, तुमने उसे पकड़कर भी छोड़ दिया और तुम्हारे डर ने सारा काम खराब कर रखा है। और आर्लो को अपने साथ चलने को कहते हैं कि आज ही हम उस जंगली बच्चे का काम तमाम कर देंगे। आर्लो के फादर उसे एक फॉरेस्ट में ले जाते हैं जहाँ वो उस जंगली बच्चे के पैरों के निशान को फॉलो करते हैं। साथ ही बारिश होने लगती है जिससे वो पैरों के निशान मिट रहे थे। उसके फादर उसे तेज चलने को कहते हैं। मौसम काफी खराब हो रहा था। आर्लो डरने लग जाता है और अपने फादर को कहता है कि मौसम खराब हो रहा है, हमें वापस से चलना चाहिए, लेकिन उसके फादर उसकी नहीं सुनते और जल्दी जल्दी आगे चलने को कहते हैं। आसमान में काफी ज्यादा बिजली कड़कने लगती है और आर्लो का दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था क्योंकि वो काफी ज्यादा डरपोक था। बारिश होने की वजह से
से वो पत्थरों पर बार बार स्लिप हो रहे थे। चलते चलते आरलो का पाँव मुड़ जाने की वजह से वह गिर जाता है, लेकिन वो वापस उठता है और वो अपने पापा से कहता है कि मौसम खराब हो रहा है, हमें वापस से चलना चाहिए। अब आरलो के फादर उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें यूं ही नहीं डांट रहा था, मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा बहुत बहादुर बने। तुम भी इस बात को समझो कि अगर मैं तुम्हारा डर नहीं खत्म करूंगा तो बड़े होकर तुम क्या करोगे। आरलो की हालत देखकर वो उसे वापस चलने को कहते हैं। तभी बारिश बहुत तेज होने लगती है, तेज हवा चल रही होती है और बहुत तेज तूफान आ जाता है। तभी वहाँ फल डालने लगता है जिससे हर चीज उसके पास बहकर आ रही थी। आरलो के फादर उसे कहते हैं कि बेटा फौरन ऊपर जाओ। वो अपनी गर्दन से आरलो को ऊपर उछाल देता है और वो भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं चढ़ पाता और फ्लड उन्हें बहाकर ले जाता है। यह बहुत ही इमोशनल सीन होता है। आरलो अब अपने फादर को खो चुका था। अब आरलो वहाँ से वापस अपने घर आ जाता है और अब उनका काम और भी बढ़ जाता है, क्योंकि अब उनके फादर मर चुके थे, इसीलिए अब आरलो भी सभी के साथ काम करवाने लग जाता है। वो काफी उदास होता है और जब वो कॉर्न रखने जाता है तो उसे वही जंगली बच्चा नजर आता है और उसे उस पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी वजह से आज आरलो के फादर जिंदा नहीं है और वो उस जंगली बच्चे को मारने की बहुत कोशिश करता है। वो उसके पीछे भागने लगता है। आरलो उसको पकड़ तो लेता है, लेकिन वो तभी नदी में गिर जाता है और डूबने लगता है। वो एक चट्टान से टकराकर बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो खुद को अकेला पाता है। वो काफी ज्यादा उदास था, लेकिन तभी उसकी नजर उसी जंगली बच्चे पर पड़ती है। वो उसके पीछे जाने लगता है और ऊपर की तरफ आ जाता है, लेकिन तभी उसे वो नदी नजर आती है जो कि उसके घर की तरफ जा रही थी। उसे अपने फादर की बात याद आती है कि जब तुम्हें नदी नजर आ जाए तो तुम घबराना नहीं, क्योंकि तुम नदी से अपने घर का रास्ता ढूंढ लोगे। अब वो उस नदी के साथ साथ चलने लगता है और चलते चलते उसको बहुत भूख भी लगने लग जाती है। तभी उसे एक बेरी नजर आती है जो ऊपर डाली पर लगी हुई थी। आरलो एक पत्थर के ऊपर पाँव रखकर वो फल खाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वो पत्थर स्लिप हो जाता है और अब आरलो का पाँव उन पत्थरों के अंदर दब जाता है। वो उस पत्थर को हटाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन खुद को फ्री नहीं कर पाता। सारा दिन गुजर जाता है और ऐसे करते करते रात हो जाती है और आरलो सो जाता है। लेकिन जब सुबह उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसका पाँव फ्री हो चुका है, क्योंकि किसी ने उसके पैर के पास एक गड्ढा खोद दिया है और उसके आसपास छोटे छोटे पैरों के निशान थे। वो समझ जाता है कि ये जंगली बच्चे के पाँव के निशान है और उसने ही आरलो को फ्री किया है। आरलो हिम्मत करता है और उठता है और आसपास की लकड़ियां इकट्ठा करके अपने लिए एक घर बनाने लगता है। तभी वहाँ वो जंगली बच्चा दोबारा आता है। वो आरलो के लिए एक लिजर्ड लाता है, क्योंकि उसे पता था कि आरलो को भूख लगी हुई थी, लेकिन आरलो उसे कहता है कि पीछे करो इसे। आरलो उससे भी डर जाता है क्योंकि वो जंगली लिजर्ड थी। फिर उसके बाद में वो जंगली बच्चा एक बहुत बड़ा कीड़ा लेकर आता है। वो अपने मुंह से ही उसका सर अलग कर देता है और उसे इशारा करता है कि खाओ इसे, लेकिन आरलो उसे भी नहीं खाता क्योंकि वो वेजिटेरियन डायनासोर होता है और वो सिर्फ फल फ्रूट ही खाता है। अब उस बच्चे को समझ आ जाता है कि इसे क्या खाना है। वो उसके लिए वही बेरी लाता है जो कि आरलो ने देखा था। आरलो काफी भूखा था, इसीलिए वो उसे तेजी से खाने लगता है, लेकिन फिर आरलो कहता है कि मुझे और बेरी खानी है। तो वो जंगली बच्चा उसे अपने साथ एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर उस बेरी का एक पेड़ होता है और उस पेड़ पर काफी ज्यादा बेरी लगी हुई थी। आरलो के मुंह में पानी आ जाता है और वो फौरन उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है और वो बच्चा उसे रोकने लगता है, लेकिन आरलो नहीं रुकता क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो उसे क्यों रोक रहा है। और जब आरलो जैसे ही फ्रूट खाने लगता है तो एक बड़ा सा स्नेक उसके ऊपर गिर जाता है और आरलो डरकर नीचे गिर जाता है। वो स्नेक आरलो पर अटैक करने ही वाला होता है कि वो जंगली बच्चा उस स्नेक पर हमला कर देता है। उन दोनों में फाइट होती है और आखिरकार वो स्नेक वहाँ से डरकर भाग जाता है। अब वो दोनों आगे जा रहे होते हैं कि तभी लकड़ियों में से एक जायंट सा जानवर बाहर आता है जिसके सिंह के ऊपर बहुत से बट बैठे हुए थे। वो आरलो से पूछता है कि तुम्हारे साथ ये बच्चा कौन है। तो आरलो कहता है कि इसका नाम मुझे नहीं पता। फिर आरलो उसे स्पॉट कहकर बुलाता है और वो जंगली बच्चा पीछे मुड़कर देखता है, यानी कि उसको उसका नाम अच्छा लगा होगा। आरलो स्पॉट में काफी गहरी दोस्ती हो जाती है और वो एक साथ अपने घर की ओर चलने लगते हैं, लेकिन आरलो को रास्ता समझ नहीं आ रहा था। फिर वो लोग एक जगह से गुजरते हैं जहाँ पर उन्हें बड़ी बड़ी घास मिलती है। तब आरलो अपनी पूंछ उस घास पर घुमाने लगता है और बहुत सारे जुगनू निकलते हैं। ये देखकर वो पहले तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन फिर उसे याद आता है कि आरलो के फादर भी ऐसे ही करके उसे खुश किया करते थे। तो आरलो दोबारा से सेड हो जाते
जाता है और नीचे बैठ जाता है। आरलो 5 छोटी छोटी लकड़ियां जमीन पर खड़ी करता है और फिर सबसे बड़ी लकड़ी को जमीन में दबा देता है। यानी कि आरलो स्पॉट को उसकी फैमिली के बारे में बता रहा था कि हम 5 लोग थे लेकिन मेरे फादर मर गए। तब वो स्पॉट का कोई रिएक्शन नहीं देखता तो वो उदास हो जाता है कि हाँ मैं किसको समझा रहा हूँ। लेकिन तभी स्पॉट भी उठता है और 3 लकड़ियां जमीन पर खड़ी करता है और वो 2 बड़ी लकड़ियों को जमीन में दबा देता है और एक छोटी लकड़ी को देखकर उदास हो जाता है जो कि वो खुद था। उसकी बात का ये मतलब था कि उसके पेरेंट्स मारे गए और अब वो इस दुनिया में अकेला है। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर उदास होकर बैठ जाते हैं और वहीं सो जाते हैं। अब अगले दिन वो अपने अलग रास्ते के लिए निकलते हैं और तेज बारिश होने लगती है और वैसा ही फ्लड आता है जिसमें उसके फादर मारे गए थे। तो वो काफी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। वो एक ट्री के नीचे जाकर छिप जाता है लेकिन जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो नदी से काफी दूर है। उसे नदी कहीं पर भी नजर नहीं आती जिससे वो अपने घर का पता नहीं लगा पाता। वो काफी उदास हो जाता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसे अजीबोगरीब पक्षी नजर आते हैं। वो काफी खतरनाक परिंदे लग रहे थे। आरलो उनसे कहता है कि क्या आप बता सकते हैं कि नदी किस तरफ है, मुझे अपने घर जाना है। तो परिंदे कहते हैं कि हाँ मुझे सब पता है, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा। लेकिन वो आरलो से झूठ कहता है कि हम यहाँ तूफान से घायल हुए जानवरों को बचा रहे हैं और वो उसे मदद करने को बोलता है और आरलो एक लोमड़ी को बाहर निकालता है लेकिन वो उसे खा जाते हैं और फिर वो उससे जंगली बच्चे का पूछते हैं लेकिन आरलो उन्हें दूसरी तरफ भेज देता है। लेकिन उसके सरदार को पता चल जाता है और स्पॉट को खाने के लिए जाता है। तो आरलो उसको अपनी कमर पर बिठाकर बहुत तेज भागने लगता है और तभी उन्हें सामने 2 बड़े डायनासोर दिखते हैं जो काफी ज्यादा बड़े थे। आरलो काफी डर जाता है और दूसरी तरफ भागने लगता है लेकिन वो उड़ने वाले डायनासोर उन्हें पकड़ लेते हैं। तो बड़े डायनासोर उनकी मदद करते हैं और उसे बचाते हैं। तभी वहाँ एक बड़ा डायनासोर आता है जो उन दोनों बड़े डायनासोर का फादर था। तो वो आरलो को कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यह बहुत ही खतरनाक इलाका है। तो आरलो कहता है कि मैं यहाँ गलती से आ गया और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नदी कहाँ पर है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी नदी बहती है। तो आरलो कहता है कि पंजा पर्वत वाली नदी। लेकिन वो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें हमारी बेसे ढूंढनी है। तो आरलो कहता है कि हम आपकी मदद कर सकते हैं क्योंकि स्पॉट की नाक बहुत तेज होती है। तो स्पॉट बेसों के बालों को सूंघकर वो उनको उनकी बेसों के पास ले जाता है। अब वो जाइंट डायनासोर कहता है कि इसी जगह इसी घास में जहाँ मेरी बेसे खड़ी है वहाँ बेस लुटेरे भी है। तो वो आरलो को कहता है कि तुम्हें वहाँ जो एक पत्थर दिखाई दे रहा है वहाँ जाकर चिल्लाओ ताकि जिन चोरों ने मेरी बेसों को चुराया है वो बाहर आ जाए। आरलो काफी डर रहा था लेकिन उसको अपने घर का पता भी ढूंढना था तो उसको वहाँ पर जाना पड़ता है। और वो जैसे ही उस पत्थर पर खड़ा होता है और चिल्लाने लगता है लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकलती। तो स्पॉट उसके पाँव पर जोर से काटता है तो आरलो दर्द से जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर बेस लुटेरे आरलो के पास आने लगते हैं। वो डायनासोर दिखने में काफी खतरनाक लग रहे थे और जैसे ही वो आरलो पर अटैक करने लगते हैं तो वहाँ पर वो जाइंट डायनासोर भी आ जाते हैं और वो उन पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन वो डायनासोर एक जाइंट डायनासोर को गिरा देते हैं और उसे मारने लगते हैं। तो आरलो उन पर अटैक कर देता है और उसे बचाता है और वो बेस लुटेरे डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। जाइंट डायनासोर अपनी बेसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। आरलो और स्पॉट भी उनके साथ होते हैं। फिर रात हो जाती है और आग के आसपास बैठकर वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। आरलो उनसे पूछता है कि आपके मुंह और पैर पर ये निशान कैसे पड़ा। तो उन बड़े डायनासोर का फादर आरलो को बताता है कि एक बार बहुत सारे मगरमच्छ ने मुझ पर हमला कर दिया था और उसने मेरे मुंह को काटा लेकिन मैंने हार नहीं मानी और सबको मार डाला। तो आरलो कहता है कि मेरे फादर भी आप ही की तरह बहुत ताकतवर थे और वो किसी से भी नहीं डरते थे। तभी वो जाइंट डायनासोर कहता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता बेटा कि डर किसी को न लगता हो। अगर कोई मगरमच्छ तुम्हें काट रहा हो और तुम डरो ना तो मतलब तुम जिंदा नहीं हो। इसीलिए डर तो सबको लगता है, ये तो नेचर में होता है, लेकिन असल बात ये होती है कि उसको कम कैसे करना है। हाँ, अपने डर को अपने साथ लेकर के चलो लेकिन उसे कभी हावी मत होने दो। जब तुम सीख जाओगे कि चीजों को कैसे फेस करना है तो तुम खुद ब खुद स्ट्रांग हो जाओगे। और ज्यादा सोचो मत, सुबह होते ही हम साउथ के लिए निकलेंगे और तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ देंगे। अब आरलो काफी खुश हो जाता है और प्रॉमिस के मुताबिक सभी साउथ की तरफ निकलते हैं। तो रास्ते में उन्हें वो पंजा पर्वत भी दिखाई देता है जिसके पास नदी थी और अब आरलो का घर काफी करीब था। और वो जाइंट डायनासोर आरलो और स्पॉट से कहते हैं कि लो बच्चों, मैंने तुमको यहाँ तक पहुँचा दिया,
इसके आगे तुम्हें ही जाना होगा क्योंकि हमें साउथ जाना है और तुम भी सेफली अपने घर पहुंच जाना। आर्लो बहुत खुश होता है और भागते हुए उस तरफ बढ़ने लगता है। आर्लो और स्पॉट ऊंची ऊंची आवाजें लगाने लगते हैं और वो बहुत खुश थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सामने से कोई जंगली इंसान भी उन्हीं की तरह आवाजें निकाल रहा होता है और स्पॉट काफी गौर से उस इंसान को देखने लगता है। और जैसे ही आर्लो उसकी तरफ बढ़ने लगता है तो आर्लो उसे अपनी कमर पर बिठा लेता है और आगे निकल जाता है। वो उन्हीं पत्थरों में पहुंच जाता है, लेकिन तभी वहां वो आदमखोर परिंदे फिर से आ जाते हैं। वो स्पॉट को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। आर्लो उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। वो जंगली बेलों में फंस जाता है। आर्लो काफी दुखी हो जाता है, लेकिन तभी उसके सामने उसके फादर आते हैं। उसके फादर उसे बेलों से फ्री करवाते हैं और वो अपने फादर के पीछे पीछे चलने लगता है और उनको देखकर कहता है कि पापा आप वापस आ गए, आप यहीं पर थे। लेकिन आर्लो नोट करता है कि उस गीली मिट्टी पर उनके निशान तो पड़ रहे थे लेकिन उसके फादर के नहीं, यानी कि यह सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। लेकिन उसके फादर उसे इमेजिनेशन में यह कहते हैं कि तुम्हें स्पॉट को ढूंढना होगा क्योंकि उसने तुम्हारी जान बचाई थी, तो अब उसे तुम्हारी जरूरत है। उसकी आँख खुलती है और वो उन बेलों को तोड़ देता है और उड़ने वाले डायनासोर वाले परिंदों के पीछे जाता है। आर्लो आगे बढ़ने लगता है और चिल्लाने लगता है। उसे स्पॉट की आवाज आती है और वो उसके तरफ बढ़ता है तो वो देखता है कि स्पॉट एक लकड़ी में छुपा हुआ है और वो परिंदे उसे खाने की कोशिश कर रहे हैं। आर्लो का कोई पहली बार दोस्त बना था तो उसे ऐसी हालत में देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। आर्लो जोर से चिल्लाता है, तभी स्पॉट बाहर निकलकर उसके पंख को काट लेता है जिससे वो उड़ने की कोशिश करने लग जाता है। लेकिन आर्लो उसे लकड़ी से मारकर पानी में गिरा देता है, लेकिन तभी फ्लड आने लगता है और उसके साथ हर चीज बहकर आ रही होती है। लेकिन आर्लो कुछ परवाह नहीं करता और नदी में कूद जाता है और स्पॉट को पकड़ लेता है और वो उसे पकड़कर किनारे पर लेकर आता है। लेकिन उसे खुद भी बहुत ज्यादा चोटें लग चुकी थी। वो लोग वहाँ से आगे निकल पड़ते हैं। स्पॉट आर्लो के ऊपर बैठा होता है, लेकिन तभी उसे वो जंगली इंसान दोबारा दिखाई देता है। इस बार आर्लो उसे जाने से नहीं रोकता तो स्पॉट फौरन से उसकी पूंछ से नीचे उतरकर उस जंगली इंसान के पास भागकर जाता है। वो देखता है कि ये तो मेरे फादर है। उसकी मदर और उसके भाई बहन भी वहाँ होते हैं। स्पॉट के फादर उसे प्यार करते हैं और उसे अपनी गोद में बिठा लेते हैं। जब आर्लो ये सीन देखता है तो उसे अपनी फैमिली भी बहुत याद आती है और वो काफी उदास हो जाता है। तो स्पॉट फौरन से उसके पास आता है और उसके ऊपर बैठ जाता है क्योंकि वो अभी भी आर्लो के साथ ही रहना चाहता था। लेकिन आर्लो उसे नीचे उतारते हुए कहता है कि तुम अपनी फैमिली के पास रहो, तुम्हारी जगह यहाँ है, तुम भी प्यार और केयर डिजर्व करते हो। दोनों यहाँ पर एक दूसरे को सैडली गुड बाय कहते हैं। फिर ना चाहते हुए भी स्पॉट अपने घर की तरफ निकल जाता है। फिर आर्लो भी अपने घर की तरफ निकलता है और उसे फाइनली अपना घर सामने दिखाई देता है। वो काफी रोने लगता है। सामने से उसकी मदर और उसके भाई बहन भी आते हैं और वो सब एक जाइंट हग करते हैं। फिर आर्लो भी अपने फुटप्रिंट लगाता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। और गाइस अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।